Hey guys, welcome to my channel. So, वीडियो देखने के साथ साथ ऊपर आई वाले बटन को भी जरूर चेक कर ले क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे. So, let's draw. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेजरमेंट लिया है ग्रिड मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हुए, मतलब ग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, कोई स्केल मेजरमेंट कुछ नहीं. तो नॉर्मली ड्रॉ किया हुआ है ये वाला. और गाइस यहाँ पे मैंने शेडिंग देना चालू कर दिया. और गाइस स्किन टोन के लिए हमेशा नॉर्मल पेंसिल का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ. नॉर्मल 2B पेंसिल है, इससे स्मूथ स्ट्रक्चर मिलता है और अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो जाता है. यहाँ पे गाइस मैंने जस्ट 3 चीज़ का इस्तेमाल किया है, एक नॉर्मल 2B पेंसिल, एक 10B और इरेज़र. तो कंपलसरी है इरेज़र एंड शार्पनर, एंड उसके साथ एक कटन का पीस, उससे मैंने ब्लेंडिंग किया है. और गाइस यहाँ पे मैं आईज़ ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़े रियलिस्टिक वे में. और जैसा कि मैंने कहा कि आई बटन में आपको इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था रियलिस्टिक आई के ऊपर, तो वो वाला वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन में. तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए. तो उससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी रियलिस्टिक आई बहुत आसानी से ला पाएंगे. और यहाँ पे मैं थोड़े 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर बेस के बाद. बेस मैंने नॉर्मल पेंसिल से ही दिया है. और यहाँ पे हेयर्स, जैसे कि मैंने कहा हेयर्स के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है मेसी वाले वीडियो में, तो वो भी मैं आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए. और गाइस वाइट हाइलाइट्स के लिए इरेजर का इस्तेमाल किया है. और उसके बाद बस डार्क पेंसिल से हल्के हाथों से टोन देना है. प्रेशर बिल्कुल ना दे गाइस, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि 10B मतलब ज़्यादा डार्क शेड्स के पेंसिल जो है वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा. और इसीलिए फेस में इसका इस्तेमाल मैं बहुत कम ही करता हूँ, जस्ट टोन्स लाने के लिए हल्का. और यहाँ पे फिर से हेयर का स्ट्रोक्स. हेयर्स का डिटेल रिव्यू का वीडियो मैं ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे कटन का इस्तेमाल ब्लेंडिंग के लिए. गाइस इस चैनल में मैं बाद में एक डिटेल रिव्यू शेडिंग के बारे में भी लाऊंगा, पूरा बिगिनर्स के लिए भी, मतलब एकदम डिटेल रिव्यू रहेगा वो. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नए हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताइए कि अच्छा क्यों नहीं लगा, तो मैं उसे भी ठीक करने का पूरा कोशिश करूँगा. हे गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग.